ऑल न्यू सेलेरियो जेड एक्स आई विथ लेटेस्ट फीचर्स। तो जेड एक्स आई में आपको फीचर्स ज़्यादा मिलेगी एल एक्स आई वी एक्स आई से, और इसकी जो कलर है फुल्ली ग्रे कलर की गाड़ी है, बहुत ही अच्छा कलर है। लुक्स वाइज में कोई भी गाड़ी में डिफरेंसेस नहीं है, सब में सेम आपको मिलेगा। यहाँ पे पेपी हेडलैम्प्स जो हर मॉडल में आपको सेम मिल रही है। नीचे फ्रंट बम्पर बॉडी कलर बम्पर्स आपको मिलेगी। फॉग लैम्प्स नहीं आएगी सेलेरियो में। क्रोम ग्रिल्स आपको मिलेगी। तो जेड एक्स आई में इतना कुछ मिलेगा फ्रंट से। 14 इंच का टायर साइज व्हील कैप्स लगी हुई मिलेगी। बॉडी कलर मिरर्स विथ साइड इंडिकेटर जो जेड एक्स आई मिलेगा, एल एक्स आई वी एक्स आई में नहीं मिलेगी। प्लेन बॉडी कलर मिरर सिर्फ आती है उसमें। फुल्ली एसेसरीज फिटेड गाड़ी है। कीलेस एंट्री के साथ आती है, तो जेड एक्स आई में आपको कीलेस एंट्री मिलेगा, और पुश स्टार्ट स्टॉप आपको जेड एक्स आई प्लस में ही मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा विंडो फ्रेम किट लगी हुई है, विंडो के साइड में पूरा देख सकते हैं, और साइड बीडिंग भी लगी है। इंटीरियर पूरी ब्लैक इंटीरियर, आपको ग्रेश इंटीरियर बोल सकते हैं, मिलेगी। सिल्वर एसेंट्स थोड़ा बॉर्डर में किया गया वर्क, ताकि गाड़ी जो है थोड़ा प्रीमियम लुक्स दे पाए, क्योंकि छोटी कार है तो छोटी कार में थोड़ा अट्रैक्टिव फीचर्स अट्रैक्टिव लुक्स होनी चाहिए, ताकि लोग खरीदे गाड़ी को। तो सेलेरियो जेड एक्स आई में यहाँ पे देखिए चाबी मैंने लगा दी है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम, ये सब सारा चीज़ आपको मिलेगा। स्मार्ट प्लेट डॉक जो आपको जेड एक्स आई में मिल रहा है, एल एक्स आई वी एक्स आई में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगी। फ्रंट पावर विंडोज़ का स्विच, सेंटर लॉक का यहाँ पे है। मैनुअल एसी आपको मिल रही है, और मोबाइल चार्जर, कप होल्डर्स, मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे है। रियर पावर विंडोज़ के लिए स्विच आपको मिडिल में मिल रही है, जहाँ पे आर्मरेस्ट होती है पर है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ड्राइवर डोर को ड्राइवर में कुछ नहीं है, सारा कंट्रोल आपको डैशबोर्ड में ही मिलेगी। और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल स्टीयरिंग में मिल रहा है, एयरबैग्स मिलेगी, टिल्ट स्टीयरिंग भी आपको इसमें मिल रही है। क्रूज़ कंट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी कार है, सिटी रोड के लिए ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर का सारा सेटअप डैशबोर्ड में है। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शंस भी आपको मिल रही है, ताकि ज़्यादा माइलेज दे आपको गाड़ी। हेडलैम्प लीवर का एडजस्ट, बोनेट ओपनिंग का स्विच यहाँ पे आ गई, और इसका जो यहाँ पे सन वाइज़र और यहाँ पे लाइट्स भी मिल रही है आपको। और गाड़ी में एयरबैग्स आपको दो मिलेगी, ड्राइवर और को ड्राइवर में, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है। सीट कवर्स एक्स्ट्रा लगा हुआ है, जो कि 6-7 हज़ार अराउंड में आ जाएगा। जेन्युइन सीट कवर्स, क्वालिटी अच्छी है। फिक्स हेडरेस्ट भी आपको इसमें मिल रही है, लाइट्स भी है। तो गाड़ी बहुत ही अच्छा है, स्पेसियस है। गाड़ी ज़रूर टेस्ट ड्राइव करें, सिटी रोड के लिए बहुत अच्छी है। 24 का माइलेज भी आपको इसमें मिलेगी। अब यहाँ पे अच्छा चीज़ ये है कि हेडरेस्ट तो आपको फिक्स मिल रहा है, पर स्पेस बढ़ाने के लिए 60-40 का ऑप्शन मिल जाएगा जेड एक्स आई में। स्प्लिट सीट 1313 लीटर का लगभग बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। बेंच टाइप सीट्स है, जगह काफ़ी अच्छा है। रियर डॉपलेट्स कॉम्बिनेशन लैंप्स आपको मिल रही है। रियर वाइपर विथ वॉशर डिफॉगर जेड एक्स आई में मिलेगा आपको, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, एल एक्स आई वी एक्स आई में नहीं आती है। रियर पार्किंग सेंसर के साथ आती है जेड एक्स आई मॉडल। रियर पार्सल ट्रे और 3D मैट्स भी लगा हुआ है। बूट स्पेस यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, आराम से लगे सामान रख सकते हैं। नीचे में एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील भी आपको मिलेगी, चक्का पंचर हो गया तो आप आराम से चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। जैक भी इसमें दिया गया है। और जेड एक्स आई में आपको सारा फीचर्स मिल रहा है, बेसिक नीड्स के हिसाब से एल एक्स आई वी एक्स आई से थोड़ी अच्छी मिल रही है, और 6-6.5 लाख रेंज में ये कार आपको मिल जाएगी। अब इसका जो इंजन है वो भी काफ़ी अच्छा है, 1000 cc का इंजन है इसका, और 49 kW का पावर। और CNG में भी लॉन्च हो गई है, इंजन आपको सेम मिलेगी, पर CNG का सिलेंडर आपको बूट स्पेस यानी कि डिक्की में मिलेगी, जिसमें आपको 34 अराउंड का एवरेज भी देगा। तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है, सिटी रोड के लिए अच्छी है। और अगर आपका प्लानिंग है सेलेरियो लेने का, तो दिसंबर एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर प्राइस भी बढ़ेगी, और 2024 में होप नई सेलेरियो भी आ सकती है।